2:30 हो रहे हैं और हम निकलने लगे हैं शादी के बाद के लिए, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है और पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस अब जाने का वक्त आ गया। वैसे अगर देखा जाए तो लाहौर में 10 दिन रहा हूँ और इन 10 दिनों के अंदर मैंने 5 वीडियोस लगाई, लेकिन पता भी नहीं लगा ये 10 दिन कैसे गुजर गए और आज हम लाहौर से वापस जा गए। सफ़र शुरू करने से पहले मौसम की रिपोर्ट लेना तो बनती है। तो फिर क्लाउडी मौसम है फिलहाल, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आती है फिर चली जाती है और टेम्परेचर नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बस ठीक है मौसम, यू नो सफ़र के लिए परफेक्ट है काइंड ऑफ। और अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा धूप निकल आई है। और ये हमारे शेरू भाई हैं, इनके एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और ये कुछ लिमिटेड लोगों के पास जाते हैं, वरना किसी एक और को मुंह नहीं लगाते। अभी टाइम 4:13 हो गए हैं, हमारी बस ने 4 बजे आना था लेकिन बहुत ज़्यादा देर कर दी है बस ने। अच्छा जी, ये जो था आप लोग ट्रक देख रहे हैं ना, इसके अंदर उन लोगों ने रस्सियाँ मार के झूला बनाया हुआ है ताकि सफ़र आराम से गुजर जाए। बस क्रिएटिविटी चेक करो। जिस तरह हर सफ़र शुरू होता है और ख़त्म होता है, इसी तरह मेरा भी यह सफ़र 10 दिन पहले शुरू हुआ और आज मेरा यह सफ़र ख़त्म हो चुका है। जिस तरह हर सफ़र से इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इस सफ़र से मुझे यह सीखने को मिला कि हार्ड वर्क के बगैर इंसान कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता और इंसान को चाहिए कि वह सब्र करे। माल पहुँच गए और मैं यहाँ पे कैंटीन जा रहा हूँ, लेने लगा हूँ, देखते क्या मिलता है यहाँ से। वैसे मैंने अपने ब्लॉग्स के अंदर 2-3 चीज़ें नोटिस की हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो आज ही मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा बात करूँ। एक सेकेंड, ये इंजन तो गुजर गए, तो मैं बात करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा बात करूँ और ब्लॉग थोड़े बड़े हों। सारे सफ़र मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को था तो नहीं, तो इसलिए मेरे पास कुछ 4-5 गाने थे, क्योंकि मैं ज़्यादा गाने सुनता तो नहीं, तो 4-5 गाने मैंने 6-6 दफ़ा सुन लिए और मुझे नींद तो आती नहीं है सारे सफ़र। कभी कभार आ जाए जब लक चल रहा होता है, लेकिन इस बार ही मुझे नींद नहीं आई, तो सारे सफ़र में बैठा रहा और बस इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। हाँ, तो फ़िलहाल हम खानेवाल पहुँच गए हैं, मैंने माइक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई 11 बजने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन हम तो खानेवाल पहुँचे, भी घंटा लगेगा और जाने के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। One eternity later.
फिलहाल हम रहीम खान आ गए, हमें थोड़ी सी किटकैट वगैरह ले ली है और अब हम निकलने लगे हैं फरीदाबाद के लिए। अभी अभी हम सात कपा पहुंचे हैं और अब हम निकलने लगे हैं घर के लिए, सामान गाड़ी के अंदर रख लिया। तो फिर अभी हम घर पहुंच गए, बस फिर मैं व्लॉग यहीं पे एंड करता हूं क्योंकि इसको एंड करके अभी एडिट भी करना है और रात के 1 बज गए, मुझे 4 बज जाने एडिट करते करते।